नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। पाली जिले के गजनीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच काना राम सिरवी का हुआ भव्य स्वागत। वहीं आपको बता दें कि गजनीपुरा गांव के सरपंच काना राम सिरवी का ठाकुर जी गोडा गांव के लोगों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। सरपंच काना राम सिरवी ने ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। ग्राम पंचायत गजनीपुरा के सभी गाँव वासियों ने मुझे युवा उम्मीदवार सुना है और मैंने आशा लेके गया था उनके पास में, और तन मन और धन से सेवा करने के लिए मैं बोला था। उन्होंने मौका दिया मुझे इस बार काम करने के लिए। पहले सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने काम किया या नहीं किया, लेकिन इस बार अच्छा अवसर मिला है, जनता ने मुझे अवसर दिया है, तो मैं उनकी जबान पर खरा उतरूँगा और प्रत्येक गरीब से लगाकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए जो भी योजनाएं होगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत की जो भी होगी वो पूरी घर घर तक जाके स्कीम दिलवाएंगे उनको और पूरा काम करवाएंगे और पूरा गजनीपुरा पंचायत में सहभागी बन के काम करेंगे। एक सेवक के रूप में मौका दिया है जो काम करेंगे हम लोग। ट्रोलर ने मारी बाइक सवार को टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मारवाड़ जंक्शन के विधायक खुशवीर सिंह जोजावर वहां से जा रहे थे, तभी रास्ते में तड़पते युवक को देखा, अपनी गाड़ी रोककर घायल युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल। वहीं सूचना मिलने पर सिरियारी थाना प्रभारी गिरोवर सिंह में टीम पहुंचे मौके पर। शाहजहानपुर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना पर विराम नहीं लग पा रहा है। करीब 2 माह पूर्व नगर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में विवाहिता के घर में घुसकर मनचले ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर महिला के पति व भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए मनचला भाग गया। पीड़ित महिला ने थाना सदर बाजार पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जी, मेरी 15 तारीख में एक बाबा आते हैं जिला अस्पताल से, तो उनसे मेरी लड़ाई हुई थी 15 तारीख लगभग 3 बजे के टाइम। तो बाबा की नीयत ठीक नहीं थी हमारे ऊपर, तो हम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। हम जैसे ही अपने घर में गए तो बाबा तुरंत पीछे से आ गया, उसने हाथ बात पकड़ा, तो इस बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया। तो उस टाइम तो वो भाग गया, कुछ लाश वाले थे उन्होंने बीच बचाव करा, वो लोग तो चले गए। फिर उसके बाद वो बाबा भी चला गया। लेकिन कल 17 तारीख में लगभग ऐसे ही टाइम था 3-4 बजे का, तो हम अपने घर पर थे और मन्नू मेरे यहाँ काम कर रहे थे, वो यहाँ थे नहीं। तो जैसे ही हमारे दरवाजे पर फायरिंग हुई, मुझे लगा कि फायरिंग हुई है, तो फायरिंग के दौरान जैसे मैं जब तक निकली जब तक वो कुछ अज्ञात लोग थे जिन्होंने हमारे दरवाजे फायरिंग करी, तो वो जा चुके थे और जब तक हम आए जब तक वो लोग भाग गए। यूपी के शाहजहानपुर में संगीन परिस्थितियों में एक बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 12 वर्ष के बच्चे का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि उनका बेटे को किसी ने मारकर पेड़ से लटका दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपका संजीव मिश्रा, क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पर? कल ये 7 बजे की बात है, ये घर से गया था तो चाची ने फोन किया कि घर पे वो शोभित नहीं है, तो इधर ढूंढा कि घर पे तो नहीं है, तो लगभग ढूंढते रहे, यहाँ सब ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। लगभग 9:45 की बात है, इसको खेत में जाके देखा तो वहाँ पे इसकी सीधे चप्पलें रखी नहीं, बिल्कुल घास थोड़ी इकट्ठी पड़ी हुई थी। तो जब घुमा के टार्च देखी तो देखा ये पेड़ से लटक रहा था, लग रहा था किसी ने जैसे पहले मारा इसको फिर लटकाया है। ये कितने समय की घटना है? रात की लगभग 9:45 की बात मतलब मिला हम लोगों को। इसके लिए आपने पुलिस को सूचित किया था क्या? हाँ, पुलिस को 100 नंबर पर हमने कॉल की थी तुरंत। क्या लगता है इसमें? इसमें ये लग रहा है रंजिशन, मतलब जानू से मारा गया उसको। अनिल मिश्रा, क्या कुछ घटना हुई है यहाँ पर? कल ऐसा है, हमारा लड़का खेत पे उधर जा रहा था, उसे 2 बच्चे ले गए बहला फुसला के। बाद 2-3 हमारी पुरानी रंजिश चल रही पहले, तो जो है उसे बहला फुसला के ले गए और उसे खेत में 2 आदमी पहले से खड़े हुए, 2 थे 3 थे, उसे वहीं बरसीम के खेत में मार दिया और मारने के बाद जो है उसे खेत में पेड़ पे लटका दिया। आपको कैसे जानकारी मिली इसकी? जानकारी, हम तो बाहर थे, मेरा घर से फोन गया कि लड़का पेड़ पे मार के लटका दिया है, तो हम बाहर से आए, बाहर रह रहे थे, उसकी जेब में 100 रुपये निकले पड़े हुए, उसकी चप्पल बाहर दोनों सीधी रखी हुई मिली। क्या लगता है आपको प्रथम दृष्टा? हमें लग रहा है हमारी जिन लोगों से बुराई है उन लोगों ने उस बच्चे को मार के टांग दिया है कि दूसरे का नाम हो। कहाँ के रहने वाले हो? कौन? हम बारिया के रहने वाले हैं।
मेरठ पुलिस लगातार अपराधियों को रोकने का प्रयास कर रही है। ऐसे में पुलिस ने एक ऐसे सिरफिरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने पड़ोस के रहने वाले एक परिवार को उसके बात नहीं मानने पर आरोपी ने मां समेत 5 बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। हालांकि परिवार के किसी सदस्य को अपनी जान से हाथ नहीं धोने पड़े थे। देखिए दिनांक 13/14 की रात में थाना खरकौदा क्षेत्र में ग्राम जाहिदपुर में एक फैमिली रहती है जिसमें कि एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती है। उनके घर में एक रोशनदान प्रकार का था, उसके अंदर से एक पाइप में कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया गया था जिसमें बच्चे की हालत गंभीर भी थी। काफ़ी सेंसिटिव घटना होने के कारण इसमें SHO खरकौदा और CO किठौर को तुरंत टीम बनाकर निर्देशित किया गया कि इसका जल्दी से खुलासा किया जाए। इसमें कई सारी वीडियो फुटेज और जो बाइक इत्यादि की जानकारी आ रही थी उसकी जानकारी कई अन्य जनपदों में जाकर की गई, परंतु ये घटना वॉज क्लोज, जो अभियुक्त है वो क्लोज के ही थे, इनके घर में भी आना जाना था। जब इनसे पूरी जानकारी की गई तो ये पाया गया कि इनका पिछले कई सालों से इनके घर में आना जाना है, खाना पीना था। इनफैक्ट जो ये फारूक हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके द्वारा घर पर खर्चा भी किया जाता था, परंतु घर के कुछ मैटर्स से इनको ऐसा लगता था कि इनकी नहीं चल रही है। इस चीज़ से इन्होंने इस परेशान होकर या ईर्ष्यावश इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें कुछ अन्य भी एंगल सामने आ रहे हैं, इनसे पूरी पूछताछ की जा रही है और ये जो जघन्य घटना इनके द्वारा कारित की जा रही है उसके कारण भेजा जा रहा है। सर, महिला का इनके बीच में रिलेशन क्या था, घर में आते थे, खर्चा करते थे, क्या किसी अवैध संबंध? देखिए, ऐसी बातें जरूर सामने आई हैं, परंतु उन पर टिप्पणी बिना सबूत के किया जाना उचित नहीं है। ऐसी बातें जरूर सामने आई हैं जिसके लिए इनसे पूछताछ की जा